आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेटिंग। रेटिंग मतलब कि डेटा हैंडलिंग का पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं आज की इस क्लास में, कि किस तरह से डेटा को हैंडल किया जाता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं ऑटोसम की। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 52, इस तरह से कुछ नंबर्स हैं हमारे पास। और क्या करते हैं कि इस नंबर्स को हमें सम करना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इक्वल सम का फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत है, आप यही पे क्लिक कर दीजिए, या शॉर्टकट है अल्ट इक्वल, आपका सम ऑटोमेटिकली लग जाएगा, मतलब कि रेंज वेंज हर चीज अपने आप आ जाएगा, आपको की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, और सिर्फ सम ही नहीं, इसको ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे एवरेज, आपको एवरेज ऑटोमेटिक मिलेगा। यहाँ पे काउंट, काउंट मैक्स मीन ऑटोमेटिक आपको ये लग जाएगा। ये आप लगा सकते, लेकिन शॉर्टकट सिर्फ ऑल्ट इक्वल का ही है। हम बात करते हैं डाउन फील्ड का। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक रैंडम नंबर लेने के लिए हम क्या करते थे कि यहाँ पे एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं माउस से, या फिर कीबोर्ड से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला रैन बिटवीन 10 से लेके 90 के बीच की रैंडम नंबर दे देगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इस पूरे सिलेक्टेड को फिल करना है। तो हम एक कंट्रोल डी करते हैं तो जो चीजें वो डाउन में आ जाती है, और फिर कंट्रोल आर करते हैं तो राइट में चली जाती है। कंट्रोल डी से डाउन एंड कंट्रोल आर से राइट, मतलब कॉपी और पेस्ट करने से अच्छा है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका कंट्रोल डी डाउन का शॉर्टकट है, कंट्रोल आर राइट का शॉर्टकट है, लेकिन अप और लेफ्ट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। ठीक है, हेलो, हेलो, आ रही हो बस? हाँ, सॉरी जी सर। अब इस बात करते हैं क्रॉस वर्कशीट का, कि क्रॉस वर्कशीट क्या करता है। पीयू जी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। चलिए फाइनली आपने ज्वाइन तो किया। हाँ, नहीं सर, अब कंटिन्यू रहेगा सर। अब यहाँ पे अगला आता है, जैसे कि मैं एक नया एक सीट लेता हूँ, एक नई सीट लेता हूँ, तीन चार। अब मुझे क्या है कि हर सीट के ऊपर डेट लिखनी है। तो हमने अगर मान लीजिए एक सीट पे हमने डेट लिख दिया, मुझे अब इस डेट को कॉपी करके हर सीट पे पेस्ट करना है वन बाय वन। तो हर सीट पे जो आप वन बाय वन पेस्ट कीजिएगा, उससे अच्छा है कि आप कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ पहले सीट पे क्लिक किया, आखिरी सीट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जितने शीट है वो सारे शीट आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, मतलब कि आप जो भी टाइप कॉपी पेस्ट करेंगे आप, वो आपकी हर एक सीट पे होगी इस तरह से। अब मुझे मान लीजिए मुझे टाइप ही करना था, तो मैं टाइप करके फिर कॉपी पेस्ट क्यों करेंगे, हम क्या करेंगे शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे सबसे लास्ट वाले सीट पे, हम यहाँ पे डायरेक्ट टाइप ही करेंगे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे हर एक सीट पे ही टाइप होगा। ग्रुप हाँ, लेकिन सेम लोकेशन पे। तो अक्रॉस वर्कशीट इसी चीज के लिए, अक्रॉस वर्कशीट में हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, मैं इसको कलर कर देता हूँ। मैं सिलेक्ट करके मैं सीट पे क्लिक कर देता हूँ हर एक सीट पे, और फिल के अंदर में एक क्रॉस वर्कशीट देखिए हाईलाइट हो गया। ऐसे हाईलाइट नहीं रहेगा जब तक आपने मल्टी शीट सिलेक्ट नहीं करोगे, तब तक ये हाईलाइट नहीं होगा। हमने मल्टी शीट को सिलेक्ट किया तो हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपसे तीन ऑप्शन पूछता है कि आपको पूरा का पूरा डेटा जैसा है वैसा रखना है, या इसकी कंटेंट रखनी है, इसकी सिर्फ फॉर्मेट रखनी है। तो मैं फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि बाकी सीट पे आप सिर्फ फॉर्मेटिंग ही देखेंगे इसका।
ये तो जितने भी सीट है सबकी कर लो, कि कुछ चुन चुन के सीट चाहिए आपको, मतलब कुछ पर्टिकुलर सीट ही चाहिए, ओवरऑल नहीं चाहिए, तो हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आपका वही पर्टिकुलर सीट आपको दिखेगी। क्लियर है? ये हमारा अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन था। अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज में जैसे कि आप जनरली हम लोग कुछ सीरियल नंबर लिखना होता है, हम वन लिखते हैं, टू लिखते हैं और नीचे लेके ड्रैग कर देते हैं। तो एग्जैक्ट मान लीजिए 20 तक लिखना है, तो आपके माउस के ऊपर कमांड है, तो हम जाके 20 पे लेके जाएंगे, लेकिन माउस के नीचे कमांड नहीं है तो ऊपर नीचे होगा आपका। ठीक है, लेकिन आप इसका मान लीजिए कि माउस पे कमांड आपको नहीं है तो सिर्फ आप स्टार्टिंग पोजीशन लिख दीजिए, चाहे वन हो चाहे कुछ हो। तो मैंने यहाँ पे फिल पे सीरीज पे गया, यहाँ पे वन, और स्टॉप वैल्यू मैंने बोल दिया 15। अब ये पूरा सिलेक्टर क्यों ना हो, 15 तक ही बनाएगा। ओके, तो आप स्टॉप वैल्यू जरूरी नहीं है कि आप दें सीरीज में। अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो ये पूरा का पूरा जितना सिलेक्टेड है उतना वहां उतना तक बना देगा सीरियल नंबर। अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू मतलब कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में गैप वन हो, अगर मैं इसको टू कर दिया तो अब यहाँ पे देखिए कि ऑड नंबर आपको देगा। इसी में आपका सीरीज में होता है ग्रोथ, अगर मैं यहाँ पे टू कर दिया, ओके कर दिया तो ग्रोथ देगा। हालांकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, इसका बेनिफिट हम लोग लेते हैं डेट में। जैसे मान लीजिए कि हमने डेट लिया, अगर आप डेट नीचे तक नॉर्मली ड्रैग करते हैं तो ओवरऑल डेट आता है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरा वीक डे आए, सैटरडे संडे ना आए, तो उस केस में मैं यहाँ जाता हूँ सीरीज पे और यहाँ पे डेट में वीक डे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वीक डे सेलेक्ट करने से क्या होगा कि अब इसमें सैटरडे संडे नहीं आएगा। देखिए 3 के बाद 4 और 5 नहीं आया, यहाँ देखिए 12 नहीं आया। मान लीजिए आपका कोई ईएमआई डेट है, 7 अगस्त हर महीने की ईएमआई डेट है आपकी, आप चाहते हैं कि 7 अगस्त, 7 सितंबर, 7 अक्टूबर ऐसा होता रहे, वो भी आप सीरीज में जाके यहाँ मंथ दे दीजिए तो आपका इसी तरह से आएगा। ऐसे ईयर है, ईयर कर दीजिए तो आपका ईयर आ जाएगा। तो सीरीज में लोगों को कोई डाउट इसमें? नहीं सर, सीरीज सीरीज के बाद अगला ऑप्शन आता है जस्टिफाई। जैसे मान लीजिए कि मैंने जस्टिफाई का यूज जो है 2016 तक हम करते थे, 2019 में या ऑफिस 365 में इसका यूज इतना खास नहीं है। क्यों? वो भी हम रीजन आपका। तो मान लीजिए कि मुझे इस सारे को एक सेल में कंबाइन, ये पूजा इस तरह से, नीरज इस तरह से, एक सेल में कंबाइन कर, ठीक है। सर सीरीज में इंग्लिश अल्फाबेट्स को हम लोग ड्रैग कर सकते हैं सर? नहीं, नहीं सर। लेकिन आप बना लोगे तो ड्रैग कर सकते हो कस्टम से जाके, जैसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक यहां पे मुझे चाहिए इस तरह से, पूजा कॉमा या स्पेस कुछ भी सेपरेटर, नीरज इस तरह से। तो अगर आप क्या करेंगे, इसमें नॉर्मली कंकेटनेट लगाएंगे तो कंकेटनेट फॉर्मूले में आप पूरा रेंज तो नहीं ले सकते, आपको वन बाय वन लेना होगा क्या सर? तो उस केस में क्या है कि आप कॉलम को बड़ा करें और फिर डेटा को सिलेक्ट कर लें, और फिर यहाँ पे आपके सामने जस्टिफाई है। अब जस्टिफाई का मतलब ये नहीं है कि आपको एक सेल में कर देता है, जितनी कॉलम उतना ही डालेगा, वो पूरा नहीं डालेगा, बाकी वो नीचे ला देगा, समझे? तो कॉलम साइज आप बड़ा कर लीजिए तो आपका डेटा यहाँ कंबाइन हो जाएगा। अब बोले ऐसे तो स्पेस है, तो आप रिप्लेस स्पेस को कॉमा में कर लीजिए या डैश में कर लीजिए, स्लैश में कर लीजिए, जैसे आपको सेपरेट करना है। और इसका एक और खासियत है कि जब मुझे अगर मान लीजिए कि स्ट्रैक करना है वन बाय वन रो में, तो भी आप इसको इस तरह से तोड़ दीजिए, मतलब छोटा कर दीजिए और सेलेक्ट कर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप जस्टिफाई कीजिए।
वापस आपको एक ब्रेक भी कर देगा. लेकिन 2000 ऑफिस 365 और 2019 में हमारे पास टैक्स ज्वाइन का फॉर्मूला है. तो टैक्स ज्वाइन का फॉर्मूला में हम यहाँ पे देते हैं सेपरेटर और हम सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रू और सॉरी और यहाँ पे रेंज इजिली हो जाता है. ठीक है, इसका कोई बना रहा. तो फ्लैश फिल के बाद अगला टॉपिक हमारा है और टॉपिक है सॉरी जस्टिफाई के बाद अगला टॉपिक है हमारा फ्लैश फिल. तो चलिए हम फ्लैश फिल को पढ़ते हैं. तो उसके लिए एक मिनट में एक छोटा सा नाम होगा लिखता हूँ. जैसे मान लीजिए कि मैं मेरे यहाँ पे नेम है, नेम में देता हूँ पूजा सिंह. ठीक है सर, अब मुझे इसमें से फर्स्ट नेम को और मुझे इसमें से लास्ट नेम को अलग करना है. तो मुझे फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अलग करना है. तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग कैसे होगा? तो यहां पे बस कुछ नहीं करना है, इसे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. मैं यहां पे पूजा लिखूंगा और एंटर की जगह पे यहां पे इसको सिलेक्ट करूंगा फ्लैश फिल. तो ये पूजा को देखेगा और उसके हिसाब से सारा का सारा नाम अलग कर देगा. ऐसे में सिंक देखूंगा और यहां से मैं फ्लैश फिल करूंगा. तो यहां से फ्लैश फिल करूंगा तो जो सिंक है मतलब सिंक को लेकर अपने हिसाब से अलग कर देगा. और सिर्फ फॉर नेम ही नहीं, जैसे मैंने डेट यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए हमने डेट डाल दिया, इसमें कुछ डेट डाल देते हैं. मुझे इसमें से मंथ को अलग करना है. मैं यहाँ पे मंथ डालूंगा और यहाँ से फ्लैश फिल, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई, फ्लैश फिल करूंगा तो देखिए सबका मंथ अलग हो जाएगा. ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइम है डेसिमल डालता हूँ, मान लीजिए मुझे इसमें से डेसिमल्स को अलग करना है. तो मैं यहाँ पे 0.096 करूंगा और यहां से मैं फ्लैश फिल करूंगा तो आपका शॉर्ट हो जाएगा. तो फ्लैश फिल के ऊपर आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. मतलब कि आप जो लिखे हुए हैं और इसमें से जो पार्ट अलग करना चाहते हैं बस एक पार्ट को लिख दीजिए और फ्लैश फिल क्लिक कर दीजिए, वो पूरे कॉलम का डेटा उसी हिसाब से अलग कर देगा. और सर अगर बीच में कोई न्यूमेरिक्स हो जैसे कि नीतू सिंह और कुछ न्यूमेरिक्स, तो और अगर उस न्यूमेरिकल को अलग करना हो तो जैसे 1, 2, 3, 4 बीच पोजीशन, देखिए पोजीशन समझता है. जैसे मान लीजिए ना आपका यहाँ पे आईडी लिखा हुआ, आप यही बोल रहे हैं ना कि मेरे पास पूजा इस तरह से. हाँ मतलब सब कुछ मिक्स हो गया, वो जो क्या कहते हैं सीरीज नंबर भी उसी के अंदर आ गया हो, नाम और आपको कि आप क्या कीजिए उस आईडी को यहाँ पे लिखिए 8569 राइट. तो यहाँ पे उसके बाद फ्लैश फिल कर दीजिए, आपका अलग हो जाएगा. लेकिन ये इसने ये रीड नहीं किया कि नंबर, इसने नंबर रीड नहीं किया सर, इसने नंबर का पोजीशन रीड किया. अगर उस पोजीशन पे अगर कोई टेक्स्ट भी है, जैसे मान लीजिए कि 69 की जगह पे मैं यहाँ पे देता हूँ TZ, समझे. अब मैं इस पे कर्सर रख के फ्लैश फिल करता हूँ तो वो आपका TZ भी ले लेगा. नहीं, सही सर, चलिए मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, नंबर अलग करता है. तो न्यूमेरिकल वैल्यू को आप फ्लैश फिल से अलग कर सकते हैं. अगर मीटिंग में भी आता है तो इसका मान लीजिए कि मैं इस पे लास्ट नेम कुछ नंबर रखता हूं तब क्या होगा?
जैसे 85 को अलग किया सर। बेसिकली क्या है कि ये जो मैच करता है ना लास्ट से मैच करता है, तो लास्ट में उसको नंबर मिल गया, उसे उस नंबर को अलग कर दिया, आगे रीड ही नहीं किया। तो सर कोई ऐसा तरीका है जो इसको हम कर सकते हो? उसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग है, और हाँ वीवीए प्रोग्रामिंग है, एरे फार्मूला का चला कर सकते हैं। सेक्शन चलेगा तब बताएंगे। अब फ्लैश होने के बाद अगला ऑप्शन आता है क्लियर का। जैसे मान लीजिए मुझे इसको डिलीट करना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कॉलम या सेल डिलीट करते हैं, लेकिन कॉलम और सेल आप डिलीट करते हैं तो दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है कि वो आपका पीछे का मतलब कि पूरा का पूरा डेटा हिल जाता है आपका, नीचे डेटा डिलीट होने के चांसेस हैं। तो क्लियर ही करना है तो आपको यहाँ से पूरा क्लियर ऑल कर दीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट कीजिए, आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर कंटेंट कीजिए, आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्लियर हाइपरलिंक कीजिए तो हाइपरलिंक क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लियर करना चाहेंगे आपका वही क्लियर होगा सर। ठीक है सर, तो क्लियर आप आपका समझ में आ गया। तो कोई डाउट आप लोगों को सर? अब डेटा सॉर्टिंग, तो एक डेटा लेते हैं। तो डेटा सॉर्टिंग तो जनरली आप जानते हैं क्या होता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। डेटा सॉर्टिंग एक सीक्वेंस अरेंज करने के लिए होता है, मतलब एक सीक्वेंसली अरेंज करना, चाहे सीरियल नंबर के साथ या अल्फाबेट के साथ आप अपने डेटा को सीक्वेंसली अरेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सॉर्टिंग। आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक एक डेटा है जिसमें रो ब्लैंक है, तो सॉर्टिंग करने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैंक रो अगर पूरा का पूरा रो ब्लैंक है तो डेटा सॉर्टिंग नहीं होगा। इसका ध्यान रखिए, आपका डेटा शॉर्ट मतलब कोई डेटा है कोई ब्लैंक नहीं है, तो आप डेटा को बिना सिलेक्ट की भी शॉर्ट कर सकते हो। अगर शॉर्ट आपको किसी एक चीज के साथ चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे सेल्स मोड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है बस, तो सेल्स मोड के हेडिंग पे कर्सर को रखें और आप यहां से शॉर्ट कर, ऑटोमेटिक आपका पूरा डेटा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे दो फील्ड चाहिए कि मुझे शॉर्ट करना है कॉलम सेल्स मोड और अकॉर्डिंग, तो यहाँ कस्टम शॉर्ट पे हम आएंगे और एड लेबल करेंगे, और यहां से हम सिलेक्ट करेंगे हमने नेम सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। तो अब आपका सेल आपका नेम भी शॉर्ट हुआ है। तो शॉर्ट आपका हमेशा अल्फाबेटिक होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे डेटा में मंथ है, हेलो मंथ है, तो अब अगर मैं इसको मंथ के हिसाब से अगर शॉर्ट करता हूं तो क्या होता है, देखिए मंथ के द्वारा शॉर्ट करता हूं तो वो आपका अप्रैल पहले आएगा, दिसंबर आएगा, मतलब कि कैलेंडर ईयर के नहीं अल्फाबेटिक होगा। लेकिन आप चाहते हो कि कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो, तो कस्टम शॉर्ट पे जाए, यहां पे मंथ और ए टू जेड की जगह पे आप सिलेक्ट करें कस्टम लिस्ट, और इस कस्टम लिस्ट में हमें दिखेगा जनवरी फरवरी जो दिख रहा है आपको, वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर शॉर्ट कीजिए, तो आपके कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा शॉर्ट इस तरह से हो, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हो, तो कस्टम शॉर्ट में जाना होगा, कस्टम लिस्ट में। अब यहाँ पे जैन फैब को आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन न्यू लिस्ट में जाके आप अपने हिसाब से शॉर्टिंग बना सकते हैं कि भाई अप्रैल इस तरह से, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी
तरह से हमने बना लिया और ऐड किया, ऐड ओके किया। तो आपके पास अप्रैल के बाद देखेंगे मई आया, ठीक है। तो साइलेंस ईयर मतलब कि जरूरी नहीं कि आप मंथ ही, आप किसी भी फील्ड के लिए शॉर्ट करते समय उसका सीक्वेंस अल्फाबेटिक की जगह पे अपना खुद का तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नेम बाय चाहिए, तो मेरा नेम का सीक्वेंस पहले से बना रखा है। अगर बना रखा है तो ठीक है, अदरवाइज क्लिक करके आप सीक्वेंस बना दीजिए। ओके सर, ओके सर। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब शॉर्ट कीजिएगा तो कभी कभी आपको यहाँ पे आपकी हेडिंग दिख रहा है ना, कभी कभी आपको दिखेगा एबीसीडी, ये तब दिखेगा जब आप माय डेटा हैज ए हेडर पे क्लिक ना किए होंगे। अगर मैं आपने माय डेटा हेडर पे क्लिक कर दिया तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा हेडिंग दिखेगा। साथ में अगर आपने मान लीजिए कि कुछ हमने क्यूसी करते समय कुछ डेटा के ऊपर हमने हाईलाइट कर दिया हुआ, जैसे कोई गलत चीज लगा या कुछ इरेक्टेड लगा तो मैं इस पे कलर कर दिया। अब मुझे शॉर्ट करना है इसके कलर के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ कस्टम शॉर्ट पे जाऊंगा और जैसे कि यहाँ पे हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया और सेल वैल्यू के जगह पे हम यहाँ पे सेल कलर सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब कि आप कलर के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम। हमने ऑन द टॉप सिलेक्ट किया तो सारे कलर वाले कॉलम रो सॉरी यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे आपने अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर रखे हैं तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन के अकॉर्डिंग भी जाके शॉर्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट मैं यहाँ पे अमाउंट ले लिया और यहाँ पे आपके सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स ऑन द टॉप बॉटम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती जैसे आपका डेटा है तो डेटा मान लीजिए कुछ ऐसे स्मॉल लेटर्स होंगे से स्मॉल में होंगे, इस तरह से स्मॉल केस में होंगे, तो आप चाहते हैं कि मेरा जो शॉर्ट हो तो मेरा जो स्मॉल वाला है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, ऐसे ऐसे मिक्स ना रहे। तो कस्टम शॉर्ट में आप यहां जैसे मैंने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया, यहां पे सेल वैल्यू ए टू जेड, यहां ऑप्शन पे आके आप केस सेंसिटिव पे क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए, तो रैम आपका रैम पे जाके देखिएगा तो आपका एक जगह पे या आपको बीच में भी आपको रैम स्मॉल लेटर नहीं दिखेगा, ठीक है सर। तो केस सेंसिटिव कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है कि टॉप ओके ना सर आराम। अब आगे बात आती है कि हमने टॉप टू लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम किए, अब मुझे शॉर्ट करना है लेफ्ट टू राइट, टू राइट में शॉर्ट करना है। मतलब कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने मंथ दे दिया और यहाँ पे मैंने सेल्स दे दिया, अब मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है लेफ्ट टू राइट। कैसे करें तो शॉर्ट करते समय ध्यान रखिएगा अपने हेडिंग को सिलेक्ट मत कीजिए, शॉर्ट में आ जाएगा, इसमें हेडिंग एंट्री करने का सिस्टम नहीं होता है। कस्टम शॉर्ट और यहाँ ऑप्शन में आप टॉप टू बॉटम की जगह पे लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट करें एंड ओके करें। यहाँ से रो जो है रो टू वाइज करना है तो टू हमने सिलेक्ट किया एंड ओके, तो रो टू के अकॉर्डिंग मतलब आपका शॉर्ट। क्लियर है सर? ओके सर, आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडवांस सॉर्टिंग फिल्टर, होम मेनू हम कल खत्म कर देंगे, उसके बाद हम पिवट टेबल की तरफ बढ़ेंगे।